बहुत से पशुपालक अपने पशुओं को मोटा और रोगमुक्त रखने के तरीकों की तलाश करते रहते हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए पशुओं को मोटा करने का एक ऐसा उपाय खोज कर लाए हैं जिससे आपकी जेब से सिर्फ 5 से 10 रुपए ही जाएंगे और आपके पशु तंदुरुस्त भी रहेंगे। नमस्कार, मैं रुक्मणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पशुओं को मोटा करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। पहला है आयु। छोटे जानवरों को लंबी भोजन अवधि की आवश्यकता होती है। वृद्ध जानवरों को मोटा होने के लिए कम समय मिलता है। मेद के लिए पशुओं की पसंदीदा आयु 2 से 3 वर्ष है। दूसरा है स्वभाव। बेचैन, नर्वस और अनियमित मवेशी की तुलना में एक सक्रिय लेकिन सौम्य, शांत और आसानी से संभाला जाने वाला पशु आमतौर पर तेजी से बढ़ता है और आसानी से मोटा भी हो जाता है। तीसरा है नस्ल। उन्नत नस्लें देसी जानवरों की तुलना में कम फीट के साथ तेजी से वजन बढ़ाती हैं। अब जानते हैं पशुओं को मोटा करने के लिए सबसे अच्छा चारा क्या है। मवेशियों को चारा खिलाने के लिए जौ सबसे अच्छा अनाज माना जाता है, लेकिन गेहूँ, टिट्रिकल, ज्वार, मक्का और जई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा घास या साइलेज का उपयोग रोगे स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। अब जानते हैं क्या होता है स्टॉक फीड। स्टॉक फीड में अधिक वसा युक्त भोजन के साथ आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो चर्बी युक्त पशु स्टॉक फीड बेचती हैं और ये पशुओं के लिए एक पूर्ण संतुलित आहार माना जाता है। इसका दैनिक आहार पशुओं के वजन और आयु पर निर्भर करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आहार से पशुओं को 90 दिनों में मोटा किया जा सकता है। अब बात आती है कि मात्र 5 से 10 रुपए में कैसे पशुओं का वजन आप बढ़ा सकते हैं। वैसे तो कई तरह के नुस्खे हैं जिसमें अंग्रेजी दवाइयां भी होती हैं जिससे आप अपने पशुओं का वजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा उपाय भी है जिससे आपकी लागत भी कम आएगी और आपके पशुओं को मोटा करने के साथ उन्हें रोगमुक्त रखने में भी सहायता मिल सकेगी। जी हाँ, यदि आप अपने पशु को लस्सी पिलाते हैं तो उससे मौजूद पोषक तत्व पशुओं को वजन बढ़ाने के साथ उनके पेट की बीमारियों से भी निजात दिलाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लस्सी में सफ़ेद नमक बिल्कुल ना मिलाएं। पशुओं को लस्सी सिर्फ काले नमक या सेंधा नमक के साथ ही दें। तो ये तो थी पशुओं को मोटा करने के उपाय। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। नमस्कार।